वेलकम गाइस हमारे क्रिकेट 22 करियर मोड के एक और नए एपिसोड में। और आप लोगों ने एक बार फिर बुला दिया है पूरा का पूरा बुक्का हमारे 1500 लाइक्स का। क्या बुला दिया है? बुका। Yes, please. तो तैयार है हम लोग हमारे एपिसोड 10 के लिए। मैं पहले ही कहता था कि भाई फर्स्ट क्लास के मैच से थोड़ा सा ऊब गए, और अच्छा है कि सही वक्त पे सीपीएल आ गया है। सैन लुसिया ड्यूक्स को हमने चुना है क्योंकि वन ऑफ माय फेवरेट ऑनर कह सकते हैं आप, मतलब अब समझो यार, समझ जाओ, वन ऑफ माय फेवरेट एक्ट्रेस की टीम है ये। पंजाब 11 का एक फ्रेंचाइज है, तो ये भी एक रीजन है इसको सिलेक्ट करने का। बाकी मजा आने वाला है सीपीएल के अंदर, क्योंकि सबसे कलरफुल अगर कोई फॉर्मेट रहा है, कोई लीग रही है, तो वो है हमारी सीपीएल। मजा आएगा, लेट्स प्ले। आगे बढ़े उससे पहले एक स्पेशल मैसेज आता हुआ हमारे लिए। Hi everyone, I'd like to wish everybody in St. Lucia and our team, the St. Lucia Kings, all the very best for the Caribbean Premier League. I know all the Caribbean Premier League matches are starting tonight, so we are going to be watching. And last year was a great year for us because we made the finals, but this year, fingers crossed. So wishing everybody all the very best, and I'd also like to welcome my new captain board. So all the best guys, we're going to be watching. Bye. Jeet gaye bhai. Ye CPL to jeetna hi hai ab. अब कोई हरा नहीं सकता पक्का। तो यहां पर हमारा लाइनअप आता हुआ सीपीएल का पहला मैच बारबाडोस रॉयल्स के सामने। अब देखो बैटिंग ऑर्डर में हाल ये है कि मैं अपने आप को नंबर 3 रख रहा हूं। आने वाले वक्त पे एक्सपेरिमेंट करेंगे, ओपनिंग होगा तो ओपनिंग भी आएंगे, डाउन होना होगा तो डाउन भी होंगे। अभी के लिए जीतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वन डाउन विल बी द परफेक्ट आई थिंक। तो लेट्स प्ले। हाय हाय हाय, क्या लग रहा हूँ यार मैं। ऑफिशियली कपड़ा पहली बार पहनने का मौका मिला, अभी तक जितने भी यूनिफॉर्म पहने सब अनऑफिशियली थे, फर्स्ट टाइम मौका मिला है थैंक्स टू सैन लुसिया किंग्स। वाह 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 भाई, दिखा भी दो मुझे। जबरदस्त यार, बहुत सही दिखाया है, बहुत परफेक्ट एकदम। रनिंग वनिंग कर रहा हूँ अभी, कैप्टन हूँ भाई, कैप्टन से ही तो फोटोशूट की शुरुआत होगी। मजा आने वाला है, चलो चलो चलो। बट उस रोल से जीता है टॉस, चलो इस बार मेरे ऊपर नहीं है कुछ डिसाइड करना ना करना। और लेंगे क्या ये, बैटिंग में आए हैं ओपी, सही है, परफेक्ट है। तो लास्ट ओवर करने आए हैं, 2 ओवर मैंने 17 दे दिए हैं। फिलिप्स खेल रहे हैं, ग्लेन फिलिप्स और शाई होप। फील्डिंग अभी मैंने नहीं बदली, डिफॉल्ट के साथ ही जा रहा हूँ, लेट्स सी। तो यहाँ पर वीडियो में डाला गया मेरा पहला गेंद, 4 रन दे रहा है भाई, 50 करा दी फिलिप्स के। अब सेट करते हैं फील्डिंग, ऑलरेडी 150 कर लिया है इन अपोनेंट ने, और 6 मारा है बैक फुट पॉइंट से। दिखने में तो कितना हल्का फुल्का शॉट था यार, नाइस बैटिंग, कम बैक करा दिया भाई टीम को। यॉर्कर लग तो नहीं रही है सही होगी, लेकिन लीजिए बीट करा दिया। जाते जाते एक बाउंसर, अरे यार कहने के लिए खाली बाउंसर है, हमारा बैकफुट पर ये तो सही है, उछला तो था। 6 मार दिया होप ने, अरे 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 अरे, 17.1 में चेज कर दिया। बैटिंग तो छोड़ो, विकेट ही नहीं गिनने दी। डुप्लेसिस मैन ऑफ द मैच ले जाते हो, लेकिन ये असली वाले डुप्लेसिस नहीं है, चेहरे से तो नहीं लग रहा है, मतलब डाउनलोड नहीं हो। अरे भाई हमारे ऑनर को खुश कर दिया हमने इस बार। ओ ओपी, 10 विकेट की जीत किंग्स के नाम। अगला है टीकेआर, ओ भाई इसको हराओ मजा आएगा। फिर नया प्रैक्टिस सेशन एंगल, और एक चीज नोटिस की, तो मैं फिर से आ गया यार, लगता है वेस्ट इंडीज में जो भी हैं फैंस मुझे बहुत देखना चाहते हैं, कैमरामैन हर बार फोकस हम पे करता है। अब प्रैक्टिस सेशन 2 टुकड़े में बटा था, इधर दूसरी टीम उधर दूसरी टीम मैदान में। और पोलार्ड भाई क्या ले रहे हो, टॉस तो जीत लिया, बैटिंग ले रहे हो आप, चलो सही है सही है, मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्ट्रॉन्ग जोन के साथ आपने खेला है, बढ़िया। 190 का चेज है, 2 रन पर 1 विकेट गिर गई है। अब यहाँ से कैप्टन स्नॉक का इंतजार हो रहा है, कैरिबियन सोल पे ये मेरी फर्स्ट बॉल है। रवि रामपाल बिजली की रफ्तार से गेंदबाजी करते हुए डॉट, सामने देखो कौन खेल रहा है, डुप्लेसिस और 4, सामने से डुप्लेसिस के करीब से ही निकालिए गेंद, चौका, फर्स्ट बाउंड्री। हीलिंग कसके आने वाला है, थोड़ा सा गति कम है ऐसा मुझे लग रहा है, पर गेंद तो 4 के पार ही जा रहा है। यस यस यस, स्ट्रेट शॉट भाई, पहले तो मैं डरता था, अभी बता दूं, मैं पिछली दो एपिसोड में आपने देखा होगा स्ट्रेट शॉट लेना शुरू कर दिया है मैंने, गेंदबाज को इग्नोर कर रहे हैं हम लोग। कैरिबियन सोल पे दिस इज द फर्स्ट मैच, और यहाँ बीट हम लोग इस गेंद पे, सबसे चैलेंजिंग भी आया ये T20 सिनारियो से देखा जाए। 10 गेंदें, 11 रन, स्क्वायर कट, 4, वाह भाई वाह, तीनों शॉट ओपी, तीनों चौके। विराम बॉल, एक और विकेट झटकते हुए, बढ़िया बाउंसर्स कर रहे हैं ऑफ स्टंप पे। ए मोदी जी यहाँ भी आ गए,
अरे भाई कोई अपना आता है तो अच्छा लगता है। रोस्टन चेज के साथ चेज करते हुए हम लोग फिर से स्क्वायर और जाएगा चार, इम्पॉसिबल है रोकना। 12 में 22, ए कहाँ खोया हुआ हूँ मैं, भूकंप का सोच रहा हूँ भाई। 10 38 हुए हैं अभी, पता नहीं दिखा कि नहीं कुछ। 30 शॉट लगाने की इच्छा, कनेक्शन बैठा नहीं, रनिंग में सिर्फ एक, थोड़ा तेज दौड़ते अगर तुरंत तो शायद दो आते। चल 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 6 के लिए, अरे विकेट तो खोना ही नहीं है ये भाई। गलत रिएक्शन आता था बटन पे, थोड़ा सा साथ चाहिए होगा मुझे, वन साइडेड मुश्किल है। पैर उठाता पीछे से, बच गए, बढ़िया गेंद है भाई। 6 चाहिए, हा लग गया 6। साइड पे एंट्री, स्ट्रेट शॉट, ओए रिएक्शन का असर, बच गए। 11 का रन रेट, एक और विकेट खो दिए इसी बीच। फाइन लेग पे खेलते हुए शॉट, अब 5 बची हुई विकेट के साथ हमें 11 के रन रेट से 10 ओवर खेलना है। ये ओवर थोड़ा सा रिस्की निकाला इन्होंने, थोड़ा नहीं एक्चुअली ये क्विकर भयानक डालता है। 93 का पेस, रनों का, ए यार ऐसा मत करो, दाव मेरे साथ यार। 50 27 गेंदों में 9 चौके 1 छक्के के साथ, एक साथ की जरूरत है, एक इनिंग बनाने वाला मिल जाए खाली। अंडा क्लियर है, गैप्स में मारो लॉब, तेज शॉट, वाइड, ये फिर क्विकर। 95 96 का पेस, रन रेट ऑलमोस्ट, थोड़े ऑफ साइड भाई, गैप नहीं निकल रहा यार, दिक्कत ये है। रन रेट ऑलमोस्ट 12 हिट करने वाला है। सामने कौन है, कीमो पॉल, मतलब हाँ बॉलिंग में भी पोलार्ड है इन, कीमो पॉल हमारा वर्ल्ड टी WCC3 का चैंपियन खिलाड़ी, और ये यहाँ पे मैं 2 की लालच में था। बच गए इस बार, 45 में 77, अभी स्ट्रेट के, अरे यार टॉगल का नाटक। KTKR भाई मेरा मेन टारगेट रहेगा, मेरा मैं आर्क राइवल रहेगा आने वाले मैचेस में, मुझे ध्यान देना चाहिए था, ध्यान दे रहा था मैं अपनी तरफ से, मैंने मेरे को लगा था डबल टॉगल कर दिया मैंने, मतलब एक बार टॉगल किया कि तेजी मारूंगा लेकिन नीचे ही मारूंगा, वो मैंने 2 बार टॉगल कर दिया, तो 2 माइनस माइनस जैसे प्लस हो जाते हैं वैसे 2 टॉगल अगर आप कर दो तो ऑफ हो जाता है वो। 35 में 62 अच्छी पारी लेकिन गलत वक्त पे आउट हुए, यहाँ से जीत गए तो चमत्कार, नहीं जीत पाए, 24 से हार, रवि रामपाल मैन ऑफ द मैच। इसी बीच एक न्यूज आती हुई कि T20 स्लैम में ग्लैमर गन पूल बी में से क्वालिफाई कर गया T20 फाइनल्स के लिए, T20 स्लैम के लिए, अच्छा है। अभी TKR के सामने खेला था, फिर से खेल रहे हैं लेकिन अब होम ग्राउंड बदल गया है, अच्छा है अगले मैच में बदले लेने का मौका मिला है। गजब काढ़ा है भाई, एक तो मेरी जीभ जल गई पता है, काढ़ा पी पी के, काढ़ा चाय। इस बार कैमरा एंगल हम पर होगा, शुरुआत तो नहीं हुई है, शुरुआत तो रवि रामपाल पिछले मैच के हीरो बात कर रहे हैं एक दूसरे से। ए 19 नंबर विलियम्स, अबे मेरा नंबर कौन चोरी कर गया, गजब गलत है यार ये, कप्तान का नंबर चोरी नहीं करना चाहिए। हेड्स का कॉल, पोलार्ड के कंधे से कंधा मिला के खड़ा है आपका भाई। सैंडुशिया किंग्स विन द मैच, वन द टॉस, वन द मैच तो करेंगे, पहले बॉलिंग ले लो, चेज ही मारेंगे इनके सामने, लास्ट टाइम की कमी पूरी करते हैं इस बार। इस बार 160 पर रिस्ट्रिक्ट किया है, 21 पर एक गिर गई है फाइनली बैटिंग में, ये तो ऐसा कॉन्फिडेंस है। मैं आउट भी हो गया ना इस मैच में तो भी टीम जीत जाएगी, पता नहीं क्यों इस मैच पर कॉन्फिडेंस है कि निकलेगा। 6 ये जीते थे 24 रनों से ना, ए यार डुप्लेसिस, कूद जाए अगर यार गेंद आए तो, थोड़ा सा रूम मिला ना जो मिल गया है। अरे टॉगल नहीं काम किया था क्या इस बार, बैट स्विंग लॉफ्टेड वाला था मेरे ख्याल से, जो मैंने बात कही थी कि मैं आउट हो जाऊंगा तो भी टीम जीत जाएगी, अभी थोड़ा डाउटफुल लग रहा है। विकेट खो दी हमने 3 टोटल और डेफिनेटली 9 का रन रेट कहीं ना कहीं बन सकता है, शायद ये ओवर TKR का नहीं आना चाहिए था उनके नजरिए से देखा जाए तो, एग्जैक्ट फाइन, और फाइन रिजल्ट मिलता हुआ हमारे लिए चौका। इस ओवर से पहले 2 ओवर में दिए थे इन्होंने 12 और अभी खा चुके हैं ये तीसरी बाउंड्री, 3 गेंदों में 12 दे दिए, 2 विकेट भी निकाले हैं लेकिन ये ओवर ने इनका पूरा रिकॉर्ड बिगाड़ दिया। सुनील नारायण की बात कर रहा हूँ मैं, इस समय 23 रन 2 विकेट 2.3 ओवर्स और ये 12 रन इसी ओवर में आए। मुझे पता था कप्तान को आना ही चाहिए समझाने के लिए, लेकिन एक्चुअली कप्तान को कोई समझाओ कि फील्डिंग रखो, थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स, भारी पड़ सकता था उछलता अगर लगने के बाद, थोड़ा सा रन रेट है ना बेहतर।
ए बाहर निकल गया, बाहर निकल गया। मैंने रन भी दौड़ाया था, मेरी ही गलती है। अब हाँ ये बात अलग है, स्टम्प लगते वक्त शायद अंदर हो, शायद है अंदर, शायद है अंदर। ओ हवा, अरे यार इस बार बचा दे भाई। नहीं शायद ऐसा है, पैर थोड़ा सा ऐसे क्रॉस एंगल, नहीं आवाज़ नहीं आई क्राउड की। यस पब्लिक चिल्ला देती है, दर्शक अरे अपने प्लेयर चिल्ला देते हैं पहले ही, नॉट आउट नॉट आउट नॉट आउट। अकील हुसैन, अरे लगाऊंगा, मुझे लगता है अनऑर्थोडॉक्स पे लगाऊंगा या खुद की लग जाएगी मेरी। ये बाउंड्री लाइन सब सोच व्यस्त कर रहे हैं व्यक्त। आखिरी गेंद, और पिछली बार जो कमी रही थी 5 चौकों के साथ, वो यहाँ पर 6 बाउंड्री शॉट्स के साथ पूरी होती हुई। बेहतरीन ओवर हमारे लिए, 3 रन चाहिए। फिर बाहर निकला मैं, हट फिनिश नहीं कर पाया, नॉन स्ट्राइक एंड पे भी दौड़ गया यार। पर मिस क्यों किया मैंने, मैं मिस की उम्मीद, 0% उम्मीद थी मेरी मिस होने की यार। आउट है यार, खत्म, आउट आउट आउट, दिखा दो यार, चिल्लाएगा देखा क्रॉप अपना प्लेयर्स, आउट। मैच जीत गया लेकिन डोंट वरी, 86 मारे और पहला मैन ऑफ द मैच खिताब वेस्ट इंडीज में। यहाँ पर ही $1,000 भाई, गली में खेलो तो भी $1,000, बड़े स्टेडियम में खेलो तो भी $1,000, गलत है ये। अपोनेंट है गुआना अमेजॉन वॉरियर, 3 मैच खेले हैं, 3 में जीत हासिल की है और हम 3 में से 2 जीते हुए हैं। तो आज हम अगर हराते हैं तो ये गुआना की पहली हार होगी। मैं फिर से रिपीट करूंगा, सेंट लूसिया किंग्स, जुक्स नहीं, किंग्स किंग्स किंग्स। बॉलिंग, ये तो टॉस जीते तो बॉलिंग भाई, मैं तो मतलब आँख बंद करके लेना चाहूँगा। 84 का चेज, विकेट खोते हुए हम 21 पर, स्ट्रेट स्ट्रेट 4 भाई, ओ स्टंप के बहुत करीब से। 18 पर 1 है, 22 पे जाएगा चौके के साथ। यॉर्कर रिस्क, 6 स्ट्रेट मिड ऑफ, एक और फोकस, थोड़ा बहुत हिला है, गुड शॉट है भाई, फील्डर होता तो सत्यानाश हो जाता इस गेंद पे, चौका। लेकिन खेला ही इसीलिए था क्योंकि उस लाइन में पूरा था नहीं फील्डर मिड ऑन पे, वरना मैं खेलता ही नहीं यहाँ पर। इमाम उल नवीन उल हक गेंदबाजी कर रहे हैं, ठीक है, चौक लॉफ्टेड आता है क्या इस पे? हाँ, आइडियल शॉट, लॉफ्टेड ऊंचा नहीं गया लेकिन तेजी से गया था, और 4 मिला है, मजा आ गया देख के शॉट। और नहीं तो एफर्ट हमारे अधिकतर पीछे वाले फ्लॉप रहे थे, ये वाले कैमरा एंगल यार गोप्रो वाला दिखा दिया। अभी तो मन कह रहा है हर शॉट वैसे ही लूँ, और लीजिए 4। शोएब मलिक का तो तोड़ मिल गया हमें, चलिए कुछ गेंदों से मारना शुरू किया है चेज ने, आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। और लीजिए गैप के थ्रू चौका, इजी गेंद आई थी, स्लो डाली थी, हुक मारा है, 2 विकेट खो दिए इस बीच। लेकिन हाँ रन रेट सुधर गया है, मतलब दयाल और जो पिछला विकेट था चेज का, उन्होंने कुछ बड़े ही शॉट लगा दिए ज़्यादा, 3 तो यहाँ आएंगे ही कन्फर्म है। 50 पे 50 मारते हुए हम लोग, और T20 है, 50 इज़ ऑलवेज स्पेशल, अभी रन चेज में आ रहा है, मज़ेदार। 2 बॉल में फिनिश करो, कर सकते हो तो, अरे कर सकते हो कर सकते हो, 1 6 लगा दिया यार, हुक शॉट, फिनिश फिनिश, रिस्क लूँ क्या? अरे भाई अ गुड शॉट है, ड्रॉप सपने में भी नहीं होगा, फिर बड़ा ख़त्म करने के चक्कर में भाई, एवरेज बहुत अप हो जाता अगर मैं ये विनिंग शॉट के चक्कर में नहीं पड़ता तो। इमरान ताहिर विकेट ले गए हैं, विन है भाई, हमारी टीम विन है, डोंट वरी उसके बारे में। अच्छी पारी एक बार फिर, हाँ वो फिनिशर वाला रोल है हमारा, पर कहते हैं ना 2-3 रन और कर लेते तो क्या हो जाती वाली बात है। मैन ऑफ द मैच भी हम ही बनेंगे, कोई शक नहीं इसमें, अब तो आदत सी हो गई $1,000 जीतने की। बॉलिंग में भी कमाल, 4 रन देखिए। 1 जमैका तलवाज नेक्स्ट अपोनेंट, हम अभी भी नंबर 2 पे हैं। एक बार फिर प्रैक्टिस सेशन एनिमेशन, मज़ा आता है देखने में, मज़ा आता है, देखो कितना मतलब सही है ये, एक्चुअली किसी गेम में नहीं है अभी तक। ये मैं आया थ्रू दे रहा हूँ ये कर लिया कैच, बॉलिंग बॉलिंग बॉलिंग, फर्स्ट 35 पे 162 का है चेज, 52 का एवरेज, 4 गेंदें। ओह फिर लग रहा है टॉगल नहीं काम किया क्या, बैट स्विंग अलग लग रहा है, स्टंप्स तो पूरा दिखा दिया है भाई, गलती कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम मत लेना। अरे मुझे कल का, इससे पहले एपिसोड में ऐसे बोल्ड हुए थे हम लोग, चीज ये करनी है, कार्लोस ब्रेथवेट को एक नाम याद रह जाए, संगीत शुक्ला। 4 रन आज स्ट्रेट फिर से लग गया शानदार। इमाद वसीम, ए उछली कुछ ज़्यादा ही जोश है, 1 रन बहुत लेट हूँ, बॉलर की तरफ खतरा बहुत ज़्यादा है, वहीं थ्रो आ रहा है, ड्राइविंग पोजीशन में थे इसलिए बच गए, चौके छक्के थोड़े से, अरे ये भी LBW होगा,
पेट पे लगेगी तो भी। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि T20 में मेरा अरे एवरेज मतलब 100 का होने वाला स्ट्राइक रेट, 71 किसी भी हाल में अच्छे रन नहीं। पहली गेंद डॉट, आखिरी 59 गेंद है बाकी। ऐसा मैच जहाँ पे आपको गैप्स बहुत चुनौती के बाद मिलते हैं, फाइनली मिला है और 100 अभी भी 9 का बनता हुआ रिक्वायर्ड। कार्लोस ब्रेथवेट भाई एक्चुअली अच्छी गेंदबाजी की है इन्होंने, ये बात अलग है, नए ओवर की शुरुआत 4 से होती। खुल के लॉफ्टेड तो मैं अभी भी नहीं खेल रहा, ये बात मैं दोहराऊंगा। वापस जाओ, मिडल उड़ाया है हमने नॉन स्ट्राइक राइंड पे। शॉट बुरी तरह से मिस हो रहे हो, दो ले रहे हो, रिस्की है इस बार निकालते हुए। ऑसम रनिंग, ये कह सकते हो आपकी वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस पारियों में से एक रही है। वापस जाना पड़ेगा, बहुत बार गए 33 गेंदों में से 39 ही मारे हैं हमने, लेकिन जरूरत थी इसी तरह की इनिंग की। अनरसल कम बैक करते हुए इस ओवर में, मिस फील्डिंग। अमेजन वॉरियर्स इतने एक्स्ट्रा रन देने के हालात में नहीं है। यॉर्कर गलती, बहुत बड़ी गलती साबित हो जाती है अभी। अरे क्या ले रहे थे, इसी को नहीं समझ में आया। और एक रन चुराते हुए फाइनली दयाल कुछ रन बनाते हुए, अच्छी बात है हमारे लिए। गैप नहीं मिल रहा और कहीं है नहीं यार रन, ऐसे ही शॉट लिए हैं मैंने। शॉट सिंगल, 50 पूरे सिंगल के साथ, 41 में 50। अभी जीतेंगे तो और बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे। इस ओवर में फिनिश हो सकता है। बचते हुए दो लेना दिक्कत वाला है, एक रन अच्छा है, फिनिश करने का मौका दिया है हमें। भाई क्या ले रहा है शॉट, स्ट्राइक तो अपने पास ही आएगा। 4 जा रहा है क्या, नहीं 3-3-3 आ जाए तो अच्छा है, एक बाकी रहेगा। अब यहाँ से ड्रॉ हो गया मैच। लूँ क्या रिस्क, लूँ क्या एक। अरे यार कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, ले लेते हैं। अरे कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है, फिनिश का मौका है बहुत जबरदस्त। कोई नहीं, सिंगल के साथ फिनिश किया है, डबल ले लो एक एक्स्ट्रा मार दो। सेंट लूसिया किंग्स इज द विनर अगेन, लेकिन मैन ऑफ द मैच का अवार्ड किसी और को ही गया है यहाँ पे, कर्क मैकेंजी को। ऑर्डर बदलाओ, मैं नंबर 5 पे आ रहा हूँ इस मैच में। रहीम कॉनवल, हाय ब्रो, हाउ आर यू, क्या मस्त रनिंग कर रहे हैं आप, हम लोगों में से अधिकतर लोगों से ज़्यादा तेज। अरे मैं नहीं दिखाई दे रहा क्यों, अबे बैटिंग ऑर्डर छोड़ो, मैं हूँ ही नहीं टीम में, ये हो क्या रहा है भाई, मैं नहीं हूँ तो क्या कर रहे हो, ये अपने आप ही क्या कर रहे हो। क्रैश हो गई गेम, पता नहीं कैसे मुझे बाहर कर दिया। अगर प्रोसीड करूंगा तो पता नहीं क्या होगा, कोई दिख नहीं रहा है यहाँ पे, मैं सिमुलेट पे क्लिक कर रहा हूँ। मैं तो हूँ ही नहीं टीम में ना, पता नहीं क्यों नहीं हूँ भाई, मुझे नहीं, इंजरी हो गई क्या। पहली मीटिंग आती हुई इसकी, भाई मुझे ये बताओ पहले मैच में क्यों निकाला मुझे, कोई रीज़न है, इंजरी हुई तो भाई कुछ एरर वगैरह दिखानी थी। हाँ इस बार प्लेइंग 11 आई है, मैं जा रहा हूँ भाई नंबर 5 पे बैटिंग करने। ग्राउंड बदलते हुए हम खेल रहे हैं हमारे अपोजिशन के होम ग्राउंड पे। फिर विलियम्स 19 को दिखाते हुए, देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है, मज़ेदार होगा। सही है, टॉस गुआना ने जीता है और बैटिंग करने आ रहा है, घूम फिर के वही बॉलिंग ही आई हमारी, बैटिंग आएगी मुझे लग रहा है आएगी। नहीं आई, 171 करके जीत गए सेंट लुसिया किंग्स भाई। नंबर 1 पे डुप्लेसिस ने लीड किया है। किसी ने कहा है कि एक बार आप टॉप पे आ गए ना तो सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है टॉप पे बने रहने में, 100% एग्री करूँगा मैं। बैटिंग ऑर्डर इस बार भी 5 के आसपास ही है, देखते हैं कि कब बदलने की नौबत आती है। बॉल, कोई दिक्कत नहीं, चेक करते हैं। पिछली बार तो नहीं आई थी लेकिन इस बार आती हुई, 80-3 रहा है हाल। यॉर्कर गलती, अर्ली शॉट इतना दूर कैसे चला गया यार, ओ माय गॉड, भाई कौन जिताएगा अब, बहुत बड़ी दिक्कत। एक रन पे आउट हो गए हम लोग, अभी बस एक मैच पहले ही रैंक 1 हासिल किया था, उस पर खतरे की घंटी बजती हुई। शॉक कर दिया, मोहम्मद आमिर ने विकेट निकाली है, जिता दो तो हीरो भाई। 1/5 विकेट्स, टिम डेविड, किमो पॉल, चलो भाई हमारे टीम में हीरो हैं पर वो अभी तक साइड रोल में थे, फाइनली उन्होंने अपनी हीरो पंती दिखाई। बात कर लें एक बार फिर टेबल की, तो 8 में से 7 जीत हासिल किए। नंबर 2 पे जो टीम है उसने 8 में 5 जीत हासिल किए, तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीड है वो बढ़ती जा रही है। अगर ये और जीत जाते हैं, फर्स्ट टाइम हमारा सामना हो रहा है क्रिस गेल, ड्वेन ब्रेवो, काफ़ी स्टार स्टडेड टीम है सैंड किट्स एंड नेविस पैट्रियट्स। सैंड किट्स के यूनिफॉर्म पे लिखा है प्योर विन, अभी इन्होंने एटलीस्ट टॉस जीत लिया है और बैटिंग के लिए आ रही है, फिर बॉलिंग हमारी, चलो
गेंदबाजी अच्छी चल रही है हमारी, 161 पे फिर रोका है, पर बैटिंग डाउन 45 पे 3। नीचे देखिए कॉन्फिडेंस मेरा एकदम डाउन, रेड बीट भी हुए हैं, एक दो शॉट लगेंगे ना। अरे कितनी ऊंची डाल, हेलमेट पे जाके लगी है, भयानक दृश्य। यहाँ से देखिए पता लगेगा क्या था यहाँ पर, बहुत भयानक लगी है, बहुत भयानक। अरे अबे तेरी कैमरा एंगल कितना गंदा है, अबे ये देखिए, हो यहाँ पे जाके लगी भाई, बुलेट शॉट्स लग जाए ना मजा आ जाए। और लीजिए स्ट्रेट शॉट, 4, आइडियल आइडियल आइडियल, एब्सोल्यूट लेजेंड, एब्सोल्यूट लेजेंड क्रिस गेल इस वक्त गेंदबाजी में। टू डॉट्स आ चुकी हैं और तीसरी भी आती हुई लग भाई से किसी तरह से जोड़ते हुए एक रन, 4 की जरूरत है अगर रन रेट को लाना है। मिल गया मिल गया मिल गया, 4, यस, बहुत दिक्कत से मिला है लेकिन रन रेट है तो अभी भी 10 का। हो फिर से मिड ऑफ, फिर से कवर, 4 रन, बहुत बेहतर, 9.29, अभी भी एक चुनौती से कम नहीं है। और गैप जो शॉट पूरी पूरे एपिसोड में नहीं लगते थे, यहाँ पर चौका निकालते हुए इस मैच में हम लोग उस शॉट के थ्रू, ये बाउंसर है ये वाली तो। अरे एक रन है कि नहीं, लग बाय नशीम शाह, 4 रन फर्स्ट बॉल पे, स्माइल इज बैक ऑन अवर प्लेयर्स, बहुत रिलीफ हुआ है। रन रेट अभी भी 9-10 के बीच में, झोलियाँ झोंके खा रहा है। ए लेट रनिंग यार, ले लेना था एक जगह सर, नहीं दे रहा ऑफ साइड, ये हम भी कम नहीं है, हमने गैप ढूंढ लिया यहाँ पे, और पॉइंट पर से ये गेंद चार जाती हुई अनऑर्थोडॉक्स शॉट के साथ, पैरों पे दी तो खत्म ये गेंद। यॉर्कर फ्लैट मारा है, फ्लैट मारा है, फ्लैट मारा है, और गलत वक्त पे आउट हो गए हम लोग। इतना सब ज्यादा ही सबर दिखाया हमने था, खेलना था जैसे खेले थे वैसे ही खेलना था शायद, यॉर्कर नहीं मारनी थी, फ्लैट चला गया, दिक्कत ही हो गई। एक अच्छा कैच, एक तेज कैच पकड़ा है यहाँ पर, 37 पे आउट हुए, अब सब कुछ भाई चेस के ऊपर है। मॉन गाइस का 165 पे जीत गए, कैसरिक विलियम्स मैन ऑफ द मैच। मैच नंबर 10, डबल हेडर यहाँ पर, सेंट नेविस पेट्रियट्स किट्स, सेंट किट्स यहाँ पे, उन्हीं के सामने आता हुआ मैच। इनके इनको आइडिया होगा, अभी पिछले मैच में एक्सपीरियंस है, हारे थे ये लोग, तो कम बैक मैच होना चाहिए उनके नज़रिए से, हम तो जीतना चाहेंगे भाई। टॉस उन्होंने जीत लिया, नहीं तो मैं बैटिंग के मूड में था फर्स्ट। अरे यार उन्होंने ले ली बैटिंग, 54 ही मारा है और ये हमने, अरे 182 मारा था इन्होंने, अरे मुझे 150 लगा, लेकिन फिर भी डुप्लेसिस की 95 नॉट आउट की पारी ने जितवा दिया है। ये कौन सी टीम आ गई, रेड डॉन लेट द गैप, भाई टी शर्ट रेड मैक्स वनडे आ रहा है क्या? मतलब ये मीटिंग तो सेंट लूसिया जुक्स की थी, लेकिन कपड़ा और बग के कारण कुछ और ही आया है। अरे फर्स्ट मीटिंग कपड़ा यार, एक तो इतने सारे यूनिफॉर्म पहनता हूँ मैं, लगता है मुझे पता नहीं रहता मैं जब प्रेस करने आता हूँ कौन सा कपड़ा पहन के, रेड बैग्स पहन के आ गया यहाँ पर। फाइनल, अच्छा हाँ, नॉट एट ऑल द फाइनल स्टॉप फॉर अ रीज़न, फाइनल की तैयारी चल रही है यहाँ पे वनडे वाली, पर मैंने वो खेले नहीं थे एक भी। अभी तो ये सब खुद ब खुद ही जवाब दे दे रहा है। वॉज इट द बैटिंग और बॉलिंग दैट लेट यू डाउन हेयर, एक ऑप्शन है जो पानी लेके आता था वो बंदा और अच्छा हो सकता है भाई। मैं टीम एफर्ट कहूँगा यहाँ पे, किसी बैटिंग या बॉलिंग को क्रिटिसाइज करने नहीं बैठा मैं। बढ़िया ठीक है, ये 10वें मैच में ही इन्होंने किंग्स को फाइनल में पहुँचा दिया है। मुझे, मैं 2 फाइनल्स का इंतजार कर रहा हूँ, एक तो इंग्लैंड वाला, एक ऑस्ट्रेलिया वाला, तो हाँ मतलब समझो ना, अभी ये CPL का तो कर ही रहे हैं बेसब्री, सब कब आता है वो देखो। तो हमारा प्लेऑफ की तैयारी हो गई है, गुआना, किंग्स, बारबाडोस और सेंट किट्स, ये 4 टीमें पहुंचे हैं। हमारा मैच है सेंट किट्स के सामने, मतलब ये हमारा लगातार 3रा मैच इनके सामने आ रहा है, इसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, इसमें हम नंबर 3 पे आएंगे। लेट्स प्ले। उधर इंग्लैंड T20 स्लैम पूरा हो गया, भाई मैं फाइनल में था क्या हुआ, यहाँ पे नॉकआउट आता हुआ CPL का। एक चीज़ देखो, मान के मैं चल रहा हूँ कि AI मुझे जीतने नहीं देगा, अगर वो जिन प्लेयर के साथ खेलेगा उनसे भी ओवर द टॉप परफॉर्मेंस नहीं आने वाला, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे अनुभव हुए हैं मुझे, तो देखो अब क्या बनती है बात। टॉस जीतते हैं तो बॉलिंग ही लेनी है फर्स्ट। टेल्स का कॉल आया है सेंट किट्स का, अरे यार सेंट किट्स जीत गया, अबे बॉलिंग ले ली, हमने बैटिंग तो की नहीं फर्स्ट कितने टाइम से, और रन चेज इस गेम का रन डिफेंड एक नंबर का बकवास है, एक नंबर का बकवास है। 8/62 पर एक आई है हमारी बैटिंग, तय मारो। हमने एक चीज़ नोटिस की थी कि इन्होंने पहले 160 मारे थे हमारे सामने, फिर 184 मारे थे, तो आज मैं कम से कम 190 तो लगाना चाहूँगा। 4 सामने कवर, नहीं
तो हुक ही लेना पड़ेगा कोई और. चार रन गैप्स पे खेलेंगे. अरे लेग बाय लेग बाय. रनिंग देखो, फील्डर का रिएक्शन देखो, कीपर का हर बार से बेहतर था. दौड़ाते तो आउट थे. स्ट्रेट जा, स्ट्रेट जा, स्ट्रेट जा. यस, चार 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 चार. फिर से बहुत सही. छः. कॉन्फिडेंस भी देखो, किस्मत मेरा स्टेमिना भी ग्रीन में हो गया है फुल. ज़्यादा ज़्यादा देर नहीं रहेगा. कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं. बुलेट है ना. चार. हाँ यस, पैर टच कर गया. तीन बाउंड्री बैक टू बैक. ड्वेन ब्रेवो के चेहरे पे चिंता. फिर से अरे शॉट मिस. चार मिस यार, या छः मिस. स्ट्रेट गैप नहीं है. एक रन. अरे यार थोड़ा बढ़ाओ रन रेट. दस पहुंचाओ, दस पहुंचाओ. वी कैन डू इट. अच्छा डॉट तो नहीं जान दूंगा मैं. दो. रेंदे 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 रेंदे. नौ का रन रेट. बीट हुए हैं. ये कहाँ लगी, मतलब आवाज़ के रूप में कुछ आया नहीं, समझ नहीं आया मुझे. दो ले रहा हूँ ऊपर से. देखना होगा 50 वाला है कि लैग बाय है. लैग बाय है. फुल ओपन किए हैं. और रफ्तार वाला शॉट, लेकिन बीच में हाथ आता हुआ फील्डर का. एक रन. 50 पूरा किया है भाई. अब यहाँ से डू और डाई है, मतलब मारो आउट हो जाओ चलेगा. टिकने का कोई मतलब नहीं यार यहाँ से, क्योंकि अब 14-16 गेंदें बची हैं सिर्फ. मतलब मैंने 210 का रन रेट हासिल करना है. बड़ा करो ओवर को. अरे 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 तेरी. ये गेम बग्गू दादा गेम का. चार मिल रहा है, ये राहत की बात. तीन चौके ओवर से चार में. ओवर तो ऐसा है कि 200 बन सकते हैं. फर्स्ट बॉल, रिस्की अटैक शॉट, रनिंग कैच. यार सत्यानाश, सत्यानाश, सत्यानाश. ओ 184 पे. पांच गेंदे बाकी रहते हुए हम आउट हुए हैं. 184 ही पिछली बार बनाए थे सैंड किट्स ने. हमारे पास ये पांच गेंदे ज़्यादा हैं जो एग्जीक्यूट करना है, उन्हीं पांच गेंदों में करना है. और मैं हूँ ही नहीं खेलने के लिए. अब भाई मैं अपना बेस्ट ही दिया. 35 में 67. आखिरी ओवर, 17 रन है. स्पिनर को दिया है गेंदबाजी. छोड़ो भाई ये लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं खुद ही गेंदबाजी में ले रहा हूँ. देखता हूँ ये कैसे कर पाते हैं. 18 करना है इनको. और गेम का लॉजिक, बॉलिंग लॉजिक एकदम बकवास है. डिफेंड मतलब समझ लो, मैं मानता हूँ भले 18 करना है, चांसेस इनके ही ज़्यादा है अपोनेंट के. फर्स्ट बॉल क्रॉस सीम. एच. अबे यार स्लिप, कहाँ से स्लिप रखूँ लास्ट ओवर में यार. स्लिप एज के रूप में चार. क्या कितनी बढ़िया लाइन. वो कहाँ खेल रहा है, कहाँ जा रही है, लेकिन चार दे रही है इन द एंड. निराशाजनक. कहीं ना कहीं फिर से वही लाइन, लेकिन इस बार फ्लिक ऊंचा. फील्डर रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा. स्लाइडिंग एफर्ट रोक लिया है. दो पर रुकेंगे यहाँ पे. ओवर थ्रो कहाँ जा रहा है अब. ओए ओवर थ्रो कहाँ जा रहा है. अबे गधों क्या कर रहे हो वहाँ पे. चोमू लोग हैं यार, एक नंबर के गधे लोग हैं. क्या कर रहे हैं. कितने दे दिए रन. 5 रन दे दिए. लेग साइड पे स्लोअर. बिग हिट. अरे ग्राउंड शॉट है, लेकिन ये एक रन आएगा. 3 में अभी भी 8 करने हैं. और फिर से कंटिन्यू करते हुए पता नहीं किस लॉजिक से. और इन्होंने हिट कर दिया यहाँ पे. बिग हिट. 6 की 4. 4 में क्या से 4 रही हैं. 4 रन भाई. 2 गेंदों में 4 रह जाते हैं. टारगेट 1 बॉल फिनिश है. मैंने पहले ही कहा था सैंड किट्स का पलड़ा भारी है, वही होता हुआ. पछाड़ा है गेंद को, उन्होंने उठाया है गेंद को. फील्डर गेंद के नीचे है और कैरी कर लिया गया है. बहुत ही सही ओवर. ये फाइनल ओवर डिसाइड करेगा कि कौन फाइनल में जा रहा है. मैंने यूं करके देखा कि भाई कौन गले मिलने आया, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से फील्डिंग में वो 5 रन एक्स्ट्रा दिए हैं ना, उसके बाद से मेरा मूड थोड़ा ख़राब है इन लोगों के ऊपर. लास्ट बॉल है, 4 मारना है उनको अपोनेंट को. मैं अभी भी फिर से दोहराऊंगा कि किस्मत कहीं ना कहीं गेम का लॉजिक बल्लेबाज का ही साथ देगा, AI का ही साथ देगा. पलड़ा डाउन है. आउट वेयर उधर फॉर्ड ही, स्ट्राइक पे वही थे तो ऑब्वियस सी बात है. लास्ट बॉल 4 रन. क्रॉस सीम, ऊंचा हिट. फील्डर गेंद के नीचे है, वेट कर रहे हैं. और गेंद को कैरी कर लिया है. यहाँ पे हम पहुंच गए हैं फाइनल में. रिएक्शन हम मेरा और इन दोनों का एक जैसा ही है. क्या मैच रहा है यहाँ पे भाई. छक्का अंत तक मैं ऐसे देख रहा हूँ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ. और देखा तो फील्डर भी यूँ देख रहा है. इसमें होता ही है ना कि यूँ देखते देखते कब यू कर दे, 6 की तरफ देख ले, कुछ भरोसा नहीं है यहाँ पे. डोमिनिक ड्रैक्स यहाँ पे आउट हुए हैं और इसी के साथ मैच में जीत हासिल की है. मैन ऑफ द मैच बनता हुआ आपका भाई, फाइनल में पहुँचा दिया है. ऑनर जो थी हमारे उनके उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता हुआ मैं.
बहुत गर्व महसूस हो रहा है, लेकिन अभी फाइनल जीतना बाकी है। हे यहाँ पे नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, उसके लिए मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तब आएगा। ये सीरियसली फाइनल है, गुआना अमेजॉन वॉरियर्स अमेजिंग टीम के सामने आते हुए किंग्स, किंग्स वर्सेस वॉरियर, भाई क्या 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 फाइनल है। जी हाँ, ये है फाइनल की फाइनल प्रैक्टिस सेशन का सिनारियो यहाँ पर, वॉरियर्स वर्सेस किंग्स। अब नाम से ही पता लग रहा है ना आपको कौन इनमें ज़्यादा भारी है, किंग्स यार ऑब्वियस, सेंट लुसिया किंग्स विल बी द चैंपियन। चीयर अप करने आ चुके हैं हमारे यहाँ पे सपोर्टर्स, थैंक यू सभी का। ओ पहले ही मिल गया मुझे इतना बड़ा सपोर्ट, वीडियो में तो देखा ही होगा ना, किसी को नहीं छोड़ने वाले हम, एकदम धक धक हो रिलाएगा। बॉलिंग टॉस जीतना हो तो सेंट लुसिया किंग्स वन द टॉस, चूज टू बॉल, ये परफेक्ट है। अब फर्स्ट सेशन में ख़त्म करो इनको और सेकंड में आगे चेस करो, सिंपल सा फंडा। 85 पे तीन मारे इन्होंने भाई, जबरदस्त बैटिंग की है। हफीज हेटमायर नॉट, ये कुछ स्कोर कार्ड है फाइनल का, 71 पर एक, 9 ओवर हो गए हैं, टफ मैच है, टफ मैच है। 115 फर्स्ट बॉल, फील्डर डीप में, चार मैं उम्मीद नहीं कर रहा, दो ले तो लिए हैं भाई 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 भाई, फाइनल में मत कर ऐसी मस्ती, दो रन लेकिन रिस्की था, नॉन स्ट्राइक एंड पे पूरी तरह से चेंज, एक रन लग पाएगा अनऑर्थोडॉक्स खेलते हुए शॉट, लेकिन डॉट नहीं जान दिया, भ्रांता है, गलत लाइन से गेंदबाजी कर रहे हैं और भुगतना पड़ेगा अमेजॉन वॉरियर्स को। 6 रन हमारा फर्स्ट सिक्स, एक और थोड़ा संभाल के यहाँ से फिर से, ये मैंने क्या कहा था, बच गया भाई बच गया, स्ट्राइक लेने का भी थोड़ा सा दिक्कत है, पहुँचते हुए बे, गेम क्या कर रही है, 110-11 के बीच, अनऑर्थोडॉक्स फ्लॉप होता हुआ डॉट, बहुत दुख की बात है। ताहिर का लास्ट गेंद, सिर्फ लास्ट गेंद खेलने का मौका मिला है हमें और उस पर भी चौका लग गया, जबरदस्ती काफी हद तक इस ओवर पे डिपेंड नहीं है। दो कुछ भी हो जाए लेना है, तीन भी आएंगे लेकिन लेंगे नहीं हम, 112 ऑलमोस्ट टच हो गया है। 6-6-6-6 की कैच, 6-6-6-6-6, दिल की धड़कनें बढ़ी थी थोड़ी देर, नहीं भाई मैंने रन ले लिया है, सही किया गलत किया, कीपर जा रहा है तो ठीक है, ले लूँगा दो ले लूँगा, हाँ बढ़िया, लेग बाय तो नहीं है, 20 गेंदें लगी हैं 50 में, लेकिन अभी जब तक ये 184 चेज नहीं हो जाता तब तक अधूरा है। स्ट्रेट, ताहिर के अटेम्प्ट के लिए 100 में से 100, ऑलमोस्ट 4 थी गेंद, ये रिक्वायरमेंट रेट बढ़ता हुआ, ग्राउंड शॉट बीट कराया गेंदबाज को, दो लेना चाहेंगे, चेज की रनिंग पे बहुत कुछ डिपेंड है, सही दो रन, खींच दिया है गेंद को कवर पे, सिंगल के लिए ही बॉलर, एक बॉलर पे थ्रो दिया ओपी, वाह वाह वाह, उधर देखो अब जाके पहुंचे, फिर से डबल, सिनारियो आपकी आंखों के सामने ही पलटता हुआ और अनऑर्थोडॉक्स में चौका, गेम चेंजिंग बाउंड्री, इस गेंद पे शायद नॉर्मल शॉट से आता ही नहीं चौका, मैदान भी ऐसा है आउटफील्ड भी ऐसा है, पर कमाल कर दिया मैंने, फ्लिक, ये भी चार्ज आए, बहुत बढ़िया, लेग ग्लांस के थ्रू चौका, 69 28 गेंदों में जो अंतर था ना, जो 10 का रन रेट था वो गिर के साथ 7 या 8 आ गया है, उससे ज्यादा नहीं होगा। लास्ट गेंद इस ओवर का, दौड़ा दियो भाई, दौड़ा दियो, स्ट्राइक के चक्कर में पहुंच भी गए हो, 12 में 16, उम्मीद करते हैं चेज ने ज्यादा गेंदे ना बिगाड़ी हो, अरे पूरा ओवर खा गए, इमरान ताई लास्ट ओवर के लिए सिर्फ, अरे रे 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 रे, 5 रन चाहिए, 5 balls 5 runs, और यहाँ पे कम से कम 2 निकलेगा, 4 गेंदे और यहाँ पे 3 रन रह जाएंगे इस 2 रन के साथ, लेकिन दिक्कत यह है कि फील्डिंग टाइट रखी है, सिंगल डबल के भरोसे ही हैं हम लोग। अबे क्या कर रहा हूँ मैं, ठीक है, दो, देख तू ही खतरे की तरफ है भाई, तेरा ही रिस्क है, तूने ही कॉल दिया है, जिम्मेदार भी तू होगा, 2 run 1 run और CPL चैंपियन बन जाएंगे। मैं अभी वेट कर रहा हूँ ट्रॉफी सेलिब्रेशन, यार किसी में नहीं दिखाया इन लोगों ने भाई, फाइन लग मिल गई खाली जगह और ये है फिनिश, भले चार नहीं जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, कर लो तुम स्लाइड, चौका भी है और जो गुड विश आई थी हमें वीडियो की शुरुआत में
हमने उसे कंप्लीट किया है। ट्रॉफी सेलिब्रेशन तो अभी भी मिसिंग है अनफॉर्चुनेटली, अंत में दिखा दें तो कुछ कमाल हो जाएगा, लेकिन यस वी आर द CPL चैंपियन सेंट लुसिया किंग्स। अभी आगे का एनिमेशन का इंतजार कर रहा हूँ बेसब्री से। इनको मिला है अवार्ड, इंटरव्यू ले रहे हैं, मेरा कभी नहीं लिया यार, इसके आगे स्क्रीन गई नहीं, यूँ करके इधर कैमरा गया ही नहीं कभी। प्लीज ट्रॉफी सेलिब्रेशन, ट्रॉफी सेलिब्रेशन लग नहीं रहा आएगा। माय गॉड, दिस इज द मोमेंट आई वाज वेटिंग फॉर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। मेरे हाथ में ही है ट्रॉफी। ये किससे पहले नहीं दिखाया कभी, फर्स्ट टाइम देखने को मिली है। अद्भुत खुशी भाई, अद्भुत खुशी। कास्ट टूर्नामेंट का भी रिकॉर्ड दिखा सकते हैं इसमें कि CPL में मैंने स्पेशली कितना किया है। जीवर रॉयल को मैन ऑफ द मैच मिला, क्यों? 38 में 3 भाई, मेरे को मिलना था। वहाँ पर कोच पहली बार, दैट वाज ब्रिलियंस फ्रॉम यू, वेल डन, फर्स्ट टाइम बंदे ने सही कहा, नहीं तो हार के आते थे तो वो सेलिब्रेट करने को कहता था, जीत के आते तो कहता था चिन अप कर दो, इतने उदास क्यों भाई। ओए कैसे भाई इतना कॉन्फिडेंस है यार, यू आर द चैंपियन ऑफ द कैरेबियन प्रीमियर लीग। पहला सवाल लाओ भाई, क्या लेट्स टॉक अबाउट लाइफ आउटसाइड ऑफ क्रिकेट, हाउ इज़ एवरीथिंग गोइंग फॉर यू राइट नाउ। अभी तो भाई सही सवाल पूछे हो, RT-PCR आ गया है मेरा पॉजिटिव, तो अभी कोविड पॉजिटिव चल रहा है, तो क्वारंटाइन चल रहा है यहाँ पर, सब कुछ दूर दूर से खाना पीना खुद का अलग रखो, सब कुछ यही चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा वक्त लेके फैन के मेल्स भी पढ़ता रहता हूँ, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है मेरा। Getting this award in the ECs must be quite a big achievement, huh? Does this feel any difference to previous awards? भाई मैं कैरिबियन प्रीमियर लीग खेल रहा हूँ, इसमें साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ नहीं खेलती है, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का है यार। ठीक है, टीम के लिए बेस्ट करेंगे, ये जवाब दिया। अगला सवाल है, were there any particular takeaways that you have from this match? एक सवाल, एक जवाब है कि चिकन मिला है मुझे डिनर में। ठीक है, मैं सेकेंड ऑप्शन के साथ जा रहा हूँ कि अगले मैच पर फोकस करेंगे, वो टारगेट सेट है विन का। द कैरिबियन प्रीमियर लीग इज नाउ कम्प्लीटेड, द सीजन परफॉर्मर का मेरा नया अवार्ड आता हुआ, कुछ अलग आ रहा है इसमें। इंग्लैंड काउंटी कप इज नाउ कम्प्लीटेड, अच्छा है भाई। ओए अब मैच आ गया है गुजरात वाले, सही है 44 दिन बाद है, लेकिन 44 दिन करूँगा क्या मैं। पहली बात भाई मैं अपना थैंक यू करना चाहूँगा हमारी ऑनर को, काफ़ी नर्वस फील कर रहा हूँ, हमारे ऑनर प्रीति जिंटा को मैं पूरा क्रेडिट दूंगा हमारी टीम की जीत का, उन्हीं के बदौलत हम लोग जीते हैं, और मेरे साथ जो कुछ प्लेयर खेले उनका भी। मालूम है पार्शियलिटी वाला मैंने कमेंट किया है, लेकिन ठीक है। 44 दिन होगा क्या, स्पॉन्सरशिप ऑफर आई है पहली, ये क्या है, बूस्ट AP अर्न थ्रू द जिम, बूस्ट AP अर्न थ्रू द नेट्स प्रैक्टिस। अरे यार दोनों बेकार हैं, अब मैं क्या करूँ, जिम वाला करते हैं। हो पाकिस्तान प्रीमियर लीग से ऑफर आता हुआ, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, मुल्तान, पेशावरी और क्वेटा फाइटर्स। मैं जा रहा हूँ लाहौर लायंस के साथ। पाकिस्तान प्रीमियर लीग में इन्होंने कप्तान बनने का ऑफर दिया, एक्सेप्ट। तो फर्स्ट क्लास मैचेस अब से चालू हो रहे हैं। एक गुड न्यूज़ दूँ, पढ़ो इंडिया के सामने क्या लिखा है, एक्सपेक्टिंग सिलेक्शन। यस भाई बहुत बड़ा चेंज होने वाला है इंडिया में सिलेक्ट होने के, मेरे ख्याल से हम लोग अब एक एपिसोड दूर रह गए हैं। मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट मैं बता दूंगा, बुरा मत मानना, लेकिन फर्स्ट क्लास में थोड़ा सा डाउन हो गया है, क्योंकि सिर्फ फर्स्ट क्लास ही चल रहे हैं। मैं अभी गुजरात वाला तो खेलूंगा अच्छी तरह से, लेकिन जो बाकी वाले हैं स्पेशली ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाले, वो मैं टाटा बाय बाय करूंगा, मैं वो फर्स्ट क्लास नहीं खेलना। वनडे और T20 में मुझे जगह दो भाई, मैं वो खेलना चाहता हूँ। कितना मजा आया CPL जीतने में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में इन दी एंड कुछ होता ही नहीं है, खेलते रहो चार दिन। हाँ इंडिया वाला है, इंडिया में मजेदार है, बाकी में उतना मजेदार नहीं है। तो इस गुड न्यूज़ के साथ कि हमारा एक्सपेक्टिंग कभी भी कॉल आ सकता है, सर राहुल द्रविड़ का, सौरव गांगुली का, VVS लक्ष्मण का, कि भाई आप सिलेक्ट हो गए हो टीम में, और वो न्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। लेकिन उसके लिए अगले एपिसोड के लिए आप लोगों को करने होंगे सिर्फ और सिर्फ 1500 लाइक, यार बहुत आसान है, इतने बड़े अचीवमेंट के लिए इतना तो बनता है, तो कर दो लाइक। फिर करते हैं इंडिया के साथ वर्ल्ड फतेह, दुनिया को फतेह करते हैं। एक बात और, कई लोगों को शायद मैं PSL खेल रहा हूँ उससे दिक्कत होगी, लेकिन भाई एक फ़ायदा है PSL खेलने का, बिंदास पिटाई होगी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों की, कुछ अच्छा भी करेंगे वो लोग, लेकिन ये एक प्लस पॉइंट है कि बिंदास खेल पाएंगे हम लोग, और जो भी पिटेंगे पिटना पाकिस्तानी प्लेयर्स को ही है, तो वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। देखते हैं जो भी होगा, पता लगेगा आने वाले एपिसोड में। ले रहा हूँ मैं विदा, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।